दोस्तों आज हम फिर मौजूद हैं आईएमसी के उस धरने में जो कि इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां की सरपरस्ती में उनकी कयादत में धरना दिया जा रहा है। धरने को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बीरपाल सिंह यादव जो कि राज्यसभा में पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर धरने पर लगातार बैठे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इसके बाद अंबेडकर साहब के नाम से कई तंजीमें बनी हुई हैं, उनके भी अहदेदारान उनके भी पदाधिकारी यहाँ पर धरने में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दे रहे हैं। धरना स्थल पर सभाएं हुई हैं लगातार और सबने एक मत से एनआरसी का विरोध किया है और साफ ऐलान भी कर दिया है कि हम इस कानून को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। कुछ लोगों से हम उनकी बात भी सुनाने जा रहे हैं, फिर से रूबरू कराने जा रहे हैं आपको, बीरपाल सिंह यादव से मिलवाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमजद सलीम साहब से, इसके अलावा और शहर के कुछ और गणमान्य लोगों से। मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे होंगे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। निश्चितकालीन आईएमसी के धरने पर सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक मौजूद रहते हैं, मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। हम मुखातिब कराने जा रहे हैं एक दो लोगों से। क्या नाम है जनाब आपका? इशरत नूरी। इशरत भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक शेर पेश नज़र कर रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है पहचान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है पहचान हमारा प्यारा हिंदुस्तान और सब मिलकर यहाँ रहते हैं ऐसे जैसे दो जिस्मों और एक जान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कार्ड्स हाथ में है धरना स्थल पर लोगों के और इसमें लिखा हुआ क्या है आपको करीब से दिखा रहा हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है, आप समझ पाएंगे जो उर्दू जानते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ संविधान बचाओ देश बचाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजर आलम कादरी। नजर आलम साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले किसी शायर ने एक शेर कहा था जिस शेर को मैं इन तमाम हाजरीन के जरिए से हुकूमत हिंद तक पहुंचाना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और समंदर में मिल गई जो नदियां दिखलाई नहीं देती, समंदर में मिल गई जो नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। ये नहीं है, ये मुद्दों से भटकाने वाली बात करते हैं। आज तरह तरह के लोग परेशान, लाखों मुसलमान परेशान है और यहाँ की हिंदू भी परेशान है। लाखों सबको तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे देश नहीं चलता है। जी मोहम्मद इमरान। इमरान भैया क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, बहुत दिन हो गए एनआरसी को लेके, अभी तक मतलब वापस नहीं लिया सरकार ने इसके लिए। मैं कहना चाहूँ जल्द से जल्द इसको जो खत्म करा जाए, बहुत झाड़ हो रहा है, हर इंसान बेरोजगार हो रहा है, चक्कर में काम किसी काम धाम नहीं चल पा रहा है। छोटी सी बच्ची भी आई है CA NRC बी अपोज और बहुत स्लोगन लिख के लाई है और इसके साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। हजरत मौलाना तौकीर रजा खां साहब आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आवाम तक? इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, एक तो मीडिया का साथ नहीं मिल रहा है। हम जो बात कहते हैं, कल आप बैठे थे, मैंने बार बार एक बात कही और सबसे एक बात कही कि मेरा ये धरना मजहबी दीवारों से ऊपर उठकर है और ख़ास तौर से मैं ये धरना इसलिए दे रहा हूँ कि ये मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का मसला है। और वो लोग हुकूमत के लोग हिंदू भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जाहिर करते हैं कि उनके दिल में बहुत करुणा है, जो मजबूर हैं, जो मजलूम हैं, जो सताए हुए हैं, दुखी हैं, उनके लिए उनके दिल में बड़ी करुणा है, हमदर्दी है, उनकी मदद करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो ये दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उनके दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। विदेशी लोगों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है, लेकिन हमारे देश में जो मजलूम हैं, बेसहारा हैं, परेशान हाल हैं, मैंने मांग की कि वाकई अगर तुम
मजबूर और परेशान की मदद करना चाहते हो तो विदेशियों की मदद बाद में करना, पहले अपने देश में जो मजलूम है, तकलीफ में है, परेशानी में है, हमारी मदद करना या ना करना, कम से कम अपने हिंदू नौजवानों की इतनी तो मदद कर दो कि जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, जमीनें बेच के, कर्जा लेकर, मकान बेचकर, इस उम्मीद में कि वो कल पढ़ लिखने के बाद इस पोजीशन में आएंगे कि अपने परिवार को पाल सकेंगे। अगर उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम उन्हें 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो। मेरी ये बात किसी अखबार ने नहीं छापी। अखबार वाले भी वो बातें छापना चाहते हैं जिनसे विवाद खड़ा हो और टकराव का माहौल बने, और टकराव का आज आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, और इसके पीछे पुलिस का पूरा हाथ है। पुलिस ये चाहती है कि जैसे और जगहों पे उन्होंने दमन किया है, विरोध को दबाने की कोशिश की है योगी पुलिस, यहां भी लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर रही, क्योंकि हम यहां पूरे अमन व अमान के साथ बैठे, शांति के साथ बैठे हुए हैं, और सड़क पे नहीं बैठे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, बाउंड्री वॉल के अंदर बैठे हैं। हमारे ऊपर मुसलसल दबाव बनाया जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि शहर का माहौल खराब हो रहा है। शहर का असल में माहौल खराब नहीं हो रहा है, मैं यहाँ हिंदुओं की हिमायत में बैठा हुआ हूँ, मुसलमानों की हिमायत में नहीं बैठा हूँ, मैं देश की हिमायत में बैठा हूँ, कहीं माहौल खराब नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे अंदेशा ये है कि जिस तरह एक आतंकवादी जहन के आदमी को, खलफशार वाले जहनियत के आदमी को पुलिस ने यहाँ भेजा, मुझे अंदेशा इस बात का है कि पुलिस जैसे और जगहों पे फसाद किया है, उसी तरह बरेली में भी फसाद कर सकती है, मुझे इस बात का अंदेशा है। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से मैंने राय मशवरा किया है, उस पर अभी मैं फैसला करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि CAA का हिमायत करना चाहो ज़रूर करो, लेकिन कम से कम अपनी हुकूमत से इतनी तो मांग करो कि विदेशों का जो बर्डन हमारे ऊपर डालने वाले हो, उससे पहले हमारे नौजवानों को कम से कम 15,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता ज़रूर दो। अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो पहले अपने घर के लोगों की मदद करो, उसके बाद बाहर वालों की मदद करो। कल केरल सरकार ने भी एक PIL उसमें डाली है, और हर भारतवासी को, जो लोग संविधान को समझते हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर कार्रवाई करेगा और इस अमेंडमेंट को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। उसमें एक शब्द आया है पंथ निरपेक्ष। ये जो CAA बिल उन्होंने पास किया है, ये उस पंथ निरपेक्षता को चैलेंज करता है, उसके अगेंस्ट है। पंथ निरपेक्षता के अगेंस्ट संविधान में कोई संशोधन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पूरी तरह अवैध है। आप कहोगे कि क्या ये पंथ निरपेक्षता के विरोध में है? पंथ निरपेक्षता में कभी जातियों का नाम नहीं डाला जाता, वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब धर्म निरपेक्ष देश है। इन्होंने जो उसमें संशोधन किया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, इन लोगों को तो बौद्ध, इन लोगों को कहा, मगर मुस्लिम शब्द नहीं डाला। इन्हें एक लाइन ये लिखना चाहिए था कि जो पाकिस्तान से आए हुए प्रताड़ित लोग हैं, उनको हम देश की नागरिकता देंगे, तो वो पंथ निरपेक्षता को चैलेंज नहीं करता था ये वाक्य। मगर इन्होंने जो वाक्य डाला है वो पंथ निरपेक्षता को चैलेंज करता है, उसके अगेंस्ट है। आपका डॉक्टर शाहिद है, क्या कहना चाहेंगे शाहिद साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो उसमें एक प्रार्थना होती है, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी को हो जाते हैं, तो हम उसी की, उस प्रार्थना के ही अधीन रहेंगे। और इस धरना को कामयाबी को देखते हुए प्रशासन ने ये कोशिश करी कि किसी सूरत से इस धरने में डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए, और पूरी हालात शहर के बिगाड़ने की कोशिश की, जानबूझ के हिंदू एकता समिति कोई है, जागरण समिति कोई है, उन साहब ने टेंट में
यहाँ पर लगाने के लिए भेज दिया। पब्लिक जब उग्र हुई तो वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि हम लोग तक कोतवाली के पास गए, हमने तहरीर भी दी उनसे, हमने कहा मुकदमा लिखे, ये शहर बिगाड़ने की कोशिश है। और हमें तो बड़ा खेद का विषय यह है कि पुलिस जो ड्यूटी पे यहाँ मौजूद थी, कम से कम 10 से 15 कर्मचारी, और उसने बाकायदा वो आया, उनने अपना गार्ड दिया और उनकी मौजूदगी में वो पैप गाड़ने लगा। हुआ एक पैप तो गाड़ भी दिया था। जब यहाँ से पता चला, लोगों ने आके बताया, जब यहाँ से पब्लिक गई तो वो पैप छोड़ के भाग गया। फिलहाल वो सामान वामान तो उसका दे दिया गया, सब ले गया है। और हमने तहरीर भी दे दी कोतवाली इंस्पेक्टर को, और हमारी मांग है कि वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखे और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे? आज सोओगे तो कल रोओगे और पछताओगे, आज सोओगे तो कल रोओगे और पछताओगे। बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे? बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे? चोर हाकिम हो गए हैं आज हिंदुस्तान में, चोर हाकिम हो गए हैं आज हिंदुस्तान में। फूल कलियों की जगह शोले हैं अब गुलदान में।